नीरव मोदी की ही तरह एक और कंपनी ने की बैंक के साथ 155 करोड़ की धोखाधड़ी। इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज का किया गया इस्तेमाल। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। हाल ही में लकड़ी की एक कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC के साथ 155 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। CBI ने जो FIR दर्ज की है उसके मुताबिक इस कंपनी ने बिना बैंक बुक में उल्लेख किए ही फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज का इस्तेमाल किया और इससे उन्होंने सिंगापुर में अपनी सहायक कंपनी की स्वीकृत क्रेडिट सीमाओं में हेरफेर करके बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के लिए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। जानकारी करने पर पता लगा कि MTPL ने आयातित लकड़ी के व्यापार और आवरण में लगे हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया OBC और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक संघ से 242 करोड़ रुपए के तकरीबन क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। बैंक को स्वीकृत नगद क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर OBC के साथ धोखाधड़ी की गई। OBC की शिकायत करने पर CBI ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स अशोक मित्तल और निशा मित्तल और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी के साथ रंगा को इस मामले में बर्खास्त भी कर दिया गया है। CBI इस मामले की गहन तरीके से जांच कर रही है। जल्दी ही सारा सच सबके सामने होगा। इसी के साथ आप दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।